नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन की पत्नी जैनब उर्फ आलिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले को लेकर मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने आलिया को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, जिसके बाद आलिया सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर FIR की फोटोकॉपी शेयर करते हुए इसे शॉकिंग बताया। दरअसल नवाजुद्दीन, उनकी मां और आलिया के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके चलते नवाजुद्दीन की मां के साथ आलिया की बहस होने के बाद ये FIR दर्ज कराई गई। नवाजुद्दीन और आलिया दोनों के दो बच्चे हैं और इन्होंने 2010 में शादी की थी। आलिया ने एक इंटरव्यू में अपनी आपबीती भी बताई। उन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और चूंकि मेरे पास दुबई जाने के लिए अभी मेरा पासपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने पति के घर लौट आई थी। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, मुझे मेरी ननंद शाबा और सास मेहरुन्निसा ने फौरन वहां से चले जाने को कहा। मेरी सास ने कहा कि नवाज और मेरा तलाक हो चुका है और मेरा दूसरा बच्चा भी नाजायज है। इस तरह के आरोपों में एक बच्चे को भी घसीटना बहुत दुखदायी है। इतना सब कुछ होने के बाद अब उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दी। आपको बता दें कि आलिया नवाजुद्दीन की दूसरी पत्नी है। आलिया ने मई 2020 में नवाजुद्दीन से तलाक के लिए अर्जी दी थी और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और उन्होंने जुलाई 2020 में मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आलिया घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उसी साल सितंबर में नवाजुद्दीन और उनके परिवार के 4 मेंबर्स के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई से बुढ़ाना मुजफ्फरनगर आई थी। हालांकि कुछ महीने बाद नवाजुद्दीन की पत्नी ने अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया था। उन्होंने इस बारे में भी बताया था कि कैसे नवाज ने 2021 में उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद उनकी और उनके बच्चों की कितनी देखभाल की थी।